सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेटअप पे जो है हम अपना कोई भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे हम रिएक्ट का किसी भी प्रोजेक्ट को जो है गेटअप पे होस्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो आपको मैं बताऊँगा कि कैसे जो है गेटअप का किसी भी प्रोजेक्ट को जो है आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं, उनका होस्टिंग लिंक पा सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप मैं जो है आपको सारा कुछ बताऊँगा, और कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं बताऊंगा जिससे जो है आपको याद रखना है। हर एक चीज़ जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है इंटरनेट से सर्च करके इन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कमांड अगर याद रखना पड़े तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सो हम जो है हर एक चीज़ जो है आपको तरीका बताएंगे कि कैसे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं आप अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट का। सो हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले एक छोटा सा चीज़ जो है मैं आपके साथ तो यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले मेरे पास जो है यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो जो आप प्रोजेक्ट है वो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है npm start से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ जिसे जो है हमें होस्ट करना है अपने गेटअप पे। सो ये एक मेरा जो है रिएक्ट ऐप है, और बेसिक ही रिएक्ट ऐप है। यहाँ पे मैंने इसका नाम जो है एक्सपेंस ट्रैकर रखा है। बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट जो है डालोगे जैसे स्कूल, और यहाँ पे आपने जो है अपना एक्सपेंस डाला कि आप जो है कितना खर्चा किया स्कूल पे, और ऐड ट्रांजैक्शन पे करोगे तो आपका टोटल बैलेंस और इनकम वगैरह जो भी ट्रांजैक्शन है वो आप यहाँ दिखेगा। अपने ट्रांजैक्शन को एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। तो एक बेसिक सा जो है फिलहाल मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे जो है आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव करोगे। सो इसलिए हमने एक बेसिक सा जो है प्रोजेक्ट लिया। सो आई थिंक प्रोजेक्ट का जो है आपको आइडिया लग गया होगा कि हम जो है किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कौन सा प्रोजेक्ट हमें जो है फिलहाल अभी होस्ट करना है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोकल होस्ट 3000 पे जो है हमें चल रहा है, और जब आप इसको होस्ट कर लोगे तो आपके पास एक लिंक मिलेगा, और उस लिंक से जो है आप अपने उस प्रोजेक्ट को जो है लाइव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सो वो चीज़ें जो है हम जब होस्ट कर लेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे कि लोकल होस्ट से जो है आपको एक लिंक मिलेगा और वहाँ से जाके जो है आप अपना सारा काम कर सकते हो उस प्रोजेक्ट पे। सो जो हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट होस्ट करते हैं, सो हमारे पास रिएक्ट में जो है दो तरीके के प्रोजेक्ट आते हैं जिसको हम होस्ट करना जानेंगे। सबसे पहला जो है जिसमें हम राउटिंग यूज नहीं करते हैं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो जिसमें हमने कहीं पे भी राउटिंग यूज नहीं किया है। राउटिंग मीन्स अगर एक पेज से अगर हमें दूसरे पेज पे जाना है, होम से अबाउट पे जाना है, अबाउट से हमें अनदर पे जाना है, तो उन केसेस में हम राउटिंग यूज करते हैं। सो राउटिंग वाला जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा उसको हम अलग तरीके से जो है होस्ट करेंगे, और उसको कैसे होस्ट करना है इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा राउटिंग का जो कंसेप्ट आता है रिएक्ट में वो थोड़ा सा अलग है गेटअप पे अपलोड करने के लिए, गेटअप पे जो है पब्लिश करने के लिए, लाइव करने के लिए। सो वो अलग है, उसको जो है हम अलग वीडियो में बताएं। सो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो हमारा विदाउट राउटिंग मतलब कि नॉर्मल हमारा जो रिएक्ट ऐप है उसको अगर होस्ट करना है जिसमें हम राउटिंग वगैरह यूज नहीं किए हैं, उसको अगर हमें होस्ट करना है तो क्या प्रोसेस होगा। सो सबसे पहला जो है हम सबसे पहले इस टर्मिनल को डिलीट करते हैं, या एक नया टर्मिनल भी जो है हम ले सकते थे। फिलहाल मैं उस टर्मिनल को क्लोज कर दिया हूँ और एक न्यू टर्मिनल ले लिया हूँ। ओके, सबसे पहले हमें चलना होगा अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे जाने के बाद जो है एक न्यू टैब में मैं अपना गेटअप जो है ओपन कर लेता हूँ। गेटअप पे आने के बाद आपको जो है सबसे पहले अपना रिपोजिटरी जो है क्रिएट करना होगा। सो ये मेरा जो है गेटअप लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें रिपोजिटरी क्लिक बनाना होगा। सो इसके लिए प्लस पे न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, और रिपोजिटरी में जो है हम अपने प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे। सो फिलहाल जो है मैं एक्सपेंस ट्रैकर डाल रहा हूँ इसका नाम, और चेक करेगा क्या ये एक्सपेंस ट्रैकर मेरे पास बना है। अगर बना होगा तो हमें जो है ये मैसेज नहीं आएगा, दिखाएगा ऑलरेडी एग्जिस्टेड। सो फिलहाल नहीं बना है, सो हम इस नाम से जो है अपना ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। और डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड कि आपके इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ होने वाला है, सो वो डाल सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, फिलहाल मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, ये टोटली आप पे डिपेंड है। और ऐड अ रीडमी फाइल ये हम आगे जो है ऐड कर लेंगे, सो इसको भी हम ऐड नहीं करते हैं। और पब्लिक या प्राइवेट अकॉर्डिंग टू यू, अगर पब्लिक करते तो हर एक कोई जो है आपका रिपोजिटरी चेक कर सकता है, कमिट चेक कर सकता है, और प्राइवेट करते हो तो कोई भी नहीं चेक कर सकता। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पब्लिक करके यहाँ पे पुश करो, और उसके बाद जो है सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है रिपोजिटरी आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो है हमें कुछ स्टेप मिलते हैं जिसके मदद से जो है हम अपने प्रोजेक्ट को जो है रिपोजिटरी के अंदर पुश करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा जो है
हम सर्च करेंगे गूगल पे आके। गूगल पे हमें सर्च क्या करना है कि रिएक्ट ऐप डिप्लॉयमेंट, ये हम सर्च करेंगे और रिएक्ट का जो ऑफिशियल साइट है, डॉक्यूमेंटेशन है डिप्लॉयमेंट का, यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हमें जो है हर एक चीज़ बताया गया है कि आखिर जो है हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कैसे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें गेटहब पे जो है क्या करना है, डिप्लॉयमेंट करना है। आपको राइट साइड में देखिए यहाँ पे गेटहब पेज दिख रहा होगा, फायरबेस भी हमें दिख रहा है, फायरबेस भी हम होस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें गेटहब पे करना है। गेटहब पेज पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो है हम गेटहब पेज वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेप इन्होंने बता रखा है जिसके मदद से जो है हम अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप जो है होम पेज ऐड करोगे, किस में करोगे, तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर। होम पेज जो है मेरा ये है, यहाँ से डायरेक्ट मैं कॉपी करता हूँ ओके, और चलूंगा मैं अपने प्रोजेक्ट में वीएस कोड पे और ओपन करूंगा अपना पैकेज डॉट जेसन। ये मेरा पैकेज डॉट जेसन है और इसको जो है सबसे पहले हमें होम पेज में ऐड करना है, मतलब कि नेम के जस्ट ऊपर जो है हम यहाँ पे अपना होम जो हमने कॉपी करा था वो हम जो है पुट करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने मेंशन करा है, थोड़ा सा मैं जूम इन करके आपको दिखा दे रहा हूँ राइट। तो आई थिंक ये जो है स्क्रीन अभी फिलहाल आपको विजुअल होगा, टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो इस होम पेज में सबसे पहले जो है HTTP के बाद जो है आपको अपना यूजर नेम देना है और गेटहब रहेगा, उसके बाद जो है आपको माई ऐप जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको जो है अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। सबसे पहले माई यूजर नेम से जो है यहाँ से इसे डिलीट करके आपको अपना यूजर नेम देना है। और अपना यूजर नेम आपको कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पे आओगे, देखो आपको ये जो है यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम दिख रहा है। अपनी कोडिंग मेरा यूजर नेम है, मैं इसको कॉपी करूंगा और चलूंगा मैं अपने VS कोड में और यहाँ पे जो है अपना यूजर नेम पेस्ट कर लिया। उसके बाद माई ऐप को डिलीट करके हमें करना होगा अपने रिपो का नाम, जो भी हमने रिपोजिटरी का नाम डाला है वो हमें जो है कॉपी करना होगा। और रिपोजिटरी का नाम जो है ये है हमारा, इसको हम जो है यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो है पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है होम पेज को ऐड करना, और कैसे करेंगे ये हमें रिएक्ट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहीं से हमें ये चीज़ें पता चला है। तो चलो हमने होम पेज कर लिया, फिर से चलते हैं हम इसके डिप्लॉयमेंट वाले पार्ट पे। फर्स्ट स्टेप जो है हमने कंप्लीट कर लिया, यही सारे प्रोसेस है जिससे जो है आप कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट प्रोसेस जो है यूज करा जो कि आसान है। उसके बाद हमें ये सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि आप जो है GS पेजेस जो है इंस्टॉल करो। इसको इंस्टॉल करने के लिए NPM का कमांड यहाँ पे दे रखा है, और यार्न से करना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। और आफ्टर डैट हमें ये जो है स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे देखिए लिख रखा है एड दिस फ्लोइंग स्क्रिप्ट यून पैकेज डॉट जेसन। स्क्रिप्ट के अंदर जो ये चीज़ ऐड करेंगे, लेकिन उनसे पहले हमें जो है इसे इंस्टॉल करना होगा। इसको कॉपी करते हैं, चलेंगे VS कोड के अंदर, टर्मिनल पे आएंगे और यहाँ पे जस्ट हम जो है इसको कंट्रोल वी और इंटर करेंगे। हमारा जो भी इंस्टॉल है GS पेज का वो हमारे में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अकॉर्डिंग टू आपके इंटरनेट पे काम करता है। थोड़ा सा ये टाइम ज़रूर लेगा, तब तक चलते हैं हम डिप्लॉयमेंट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट हमें स्टेप क्या करना है कि स्किप टैग के अंदर हमें प्री डिप्लॉयमेंट ये रखना है और डिप्लॉयमेंट ये रखना है। इतने पार्ट को जो है हम जस्ट इतने पार्ट को कॉपी कर रहे हैं और चलेंगे VS कोड के अंदर। और देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा जो टर्मिनल है इसमें जो हमने GS करा था वो यहाँ पे जो है डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। फिलहाल हम टर्मिनल को जो है थोड़ा सा नीचे करते हैं और जो हमें पैकेज डॉट जेसन के अंदर वो दो फाइल हमें कॉपी जो हमने करा था उसको ऐड करना है। पैकेज डॉट जेसन के अंदर हम आ जाएंगे स्क्रिप्ट वाले यहाँ पे, और जस्ट यहाँ पे इंटर करके हम वो अपना प्री डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का ये पेज जो है इसको हम जो है ऐड कर देंगे, और जो ये प्लस दिख रहा है इसको हम रिमूव कर देंगे तो हमारा एरर भी जो है चला जाएगा। अब हमारा जो है मैक्सिमम काम हो चुका है डिप्लॉयमेंट के पार्ट से। अब हम कंट्रोल माइनस से जो है इसका साइज छोटा करते हैं तो थोड़ा सा और भी जो है हमें स्क्रीन मिल जाएगा। यहाँ पे जो है अब हमें जो भी काम करना है मैक्सिमम काम टर्मिनल पे करना है। देखते हैं कि क्या काम करना है। जब आप ये दो चीज़ें जो है ऐड कर लेते हो तो आपका नेक्स्ट काम रह जाता है, आप अपने प्रोजेक्ट को जो है डिप्लॉय करो। इसके लिए हमारा कमांड है npm run deploy। ये हम जो है सबसे लास्ट में करेंगे। इससे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट के जो भी डाटा है, जो भी हमने कंपोनेंट वगैरह बनाया है, वो हमें क्या करना होगा, उसे पुश करना होगा। पुश करने के लिए हमें गेटहब जो है ये सारे ऑप्शन देते हैं। यहाँ से जो है हम अपना प्रोडक्ट, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है, उसको जो है हम पुश कर सकते हैं। वन बाय वन हम सारे कंपोनेंट को देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से जो है हमें सारे स्टेप को वन बाय वन फॉलो करना है। सबसे पहले जो है हम गिट इनिट करेंगे। इसको कॉपी करते हैं और चलेंगे अपने VS कोड में।
यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके गेट इनिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा गेट इनिशलाइज हो चुका है। हमारे फोल्डर के अंदर जो है एक डॉट गेट नाम का जो है एक नया फोल्डर बन गया होगा, उसके अंदर जो है हमारा सारा काम होगा, राइट। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है गेट ऐड रीडमी, अगर रीडमी फाइल को आप ऐड करना चाहते हो तो ये जो है आप यूज करोगे, अदरवाइज जो है डायरेक्ट आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, गेट कॉमिट, और जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको कॉपी करा, अपने VS कोड में जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, कह रहा है कि आपके पास जो ये सारे फाइल है इसमें से अभी फिलहाल ये चीज़ें जो है अपलोड नहीं हुआ है, पुश नहीं हुआ है, ऐड नहीं हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखें गिट ऐड दे रहा है कि गिट ऐड करो। हम क्या करेंगे, गिट ऐड और डॉट जो है हम यूज करेंगे, डॉट से जो है ऑल फाइल जो है चला जाएगा। ये करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास जो है फिलहाल ये सारे फाइल जो है चला जा चुका है। अब कैसे हमें पता चलेगा, तो गिट स्टेटस जो है एक कमांड है जिससे जो है हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी फाइलें हमारे इसके अंदर आए। तो आप देख सकते हो कि ये सारे वो फाइलें हैं जो कि हमारे गेट पे अपलोड होने जा रहे हैं। ये सारे न्यू फाइलें, तो गेट स्टेटस से जो है आप अपना स्टेटस पता कर सकते हो। कभी भी अगर कोई चेंजेस करोगे तो वो भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा कि आपने ये सारे जो है चेंजेस करा है इस फोल्डर में, तो वहाँ से जो है हम उसको फिर से पुश करेंगे। फिलहाल आपने जो है गिट ऐड डॉट जो है करा है, उसके बाद नेक्स्ट से फिर से वही चीज़ें अब कॉमिट करेंगे। इस समय जो है कमिट करेंगे तो हमारा फाइल जो है ले लेगा। गिट कॉमिट एम फर्स्ट कॉमिट मैसेज हम पास कर रहे हैं, कोई भी मैसेज जो है आप यहाँ पे पास कर सकते हो। फिलहाल हम सेम रखते हैं, इंटर पेस्ट करेंगे। हमारा जो भी फाइल है उसका कमिट यहाँ पे बन के तैयार है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा गेट ब्रांच एम मेन। यहाँ पे हमें ब्रांच सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी यहाँ पे आएंगे, इंटर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके हो चुका है हमारा, ये कमांड भी चल चुका है। सबसे सेकेंड लास्ट जो हमारा ये कमांड है तो इसको हम यूज करेंगे, कंट्रोल सी। VS कोड पे चलेंगे, यहाँ पे जो इसको पेस्ट करके इंटर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो है देखिए हमारा ये कमांड भी जो है चल चुका है। अगेन आएंगे और गिट पुश जो हमारा ओरिजिन मैन है वो हम यहाँ पे करके लास्ट जो हमारा कमांड है वो यहाँ पे चला के एंटर पेस्ट करेंगे। तो हमारा जो भी फाइलें हैं वो सारा फाइल जो है हमारे रिपोजिटरी के अंदर जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि हमारा सारे फाइल जो है अब हमारे रिपोजिटरी के अंदर जो है आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ और अपने पेज को रिफ्रेश करूँ, अगर थोड़ा सा इस रेपो के अंदर जो है आपके सारे फाइल जो है यहाँ पे आ चुके हैं। अब मेरा काम क्या है कि इसको डिप्लॉय करना, रन डिप्लॉय करना। तो अब फिर से आपको जो है रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे आना है और जो हमारा सबसे लास्ट काम है npm रन डिप्लॉय, ये करेंगे और टैप करके हम चलते हैं अपने इस पे और कंट्रोल भी और इंटर पेस्ट करेंगे। तो हमारा जो भी काम है वो ऑटोमेटिक जो है डिप्लॉय के लिए हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और जब डिप्लॉयमेंट हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि हमें जो लिंक मिलेगा वो बेसिकली कहाँ से मिलेगा। और सबसे लास्ट में एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ से रन npm रन डिप्लॉय करते हैं, हमारा जो है प्रोजेक्ट डिप्लॉय नहीं हो पाता है। तो उसका एक छोटा सा रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जब आप npm स्टार्ट करते हो अपने प्रोजेक्ट को लोकल होस्ट पे चलाने के लिए, तो उस समय बहुत सारे जो वार्निंग दिखाया जाता है कि आपने ये इनिशियलाइज करा है बट उसका यूज आपने कहीं नहीं करा है। तो ऐसे वार्निंग अगर आपको आता है तो सबसे पहले उस वार्निंग को आपको हटाना पड़ेगा, डैट मीन्स उस वेरिएबल को आप डिलीट करो, कॉमेंट करो, ताकि वो वार्निंग जो है ना आए कि आपने इसको इनिशियलाइज करा लेकिन यूज नहीं करा कहीं पर। और दूसरा हो सकता है कि आपने जो है अपने प्रोजेक्ट में राउट यूज करा, डैट्स वाई जो है आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा ये जो है टाइम लेगा डिप्लॉयमेंट होने में। और एक चीज़ और, कई बार अगर हम गिट इनिट करते हैं तो हमें गिट इग्नोर करके जो है ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो एक फाइल आपको बनाना है अपने इसी नोड मॉड्यूल के अंदर, आप देख सकते हो, चलो इसको एक बार मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसी के अंदर जो है गिट इग्नोर, और इसके अंदर जो है हम वो सारे फाइलें डालेंगे जिसको हमें इग्नोर करना है। तो नोड मॉड्यूल के फाइल हमें नहीं डालना है, जस्ट हम नोड मॉड्यूल यहाँ पर डाल देंगे, मेरा काम हो चुका है। और यहाँ पे तब तक आप यहाँ देखो, मेरा जो फाइल था, जो प्रोजेक्ट था, वो पब्लिश भी हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने गेटहब पे, ये रहा मेरा गेटहब। यहाँ पे आने के बाद सेटिंग पे आएंगे,
सेटिंग पे आने के बाद पेजेस पे आएंगे, और पेजेस पे आने के बाद अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे तो आपको यहाँ पे जो है एक लिंक मिलेगा। 5 से 10 सेकंड के बाद आपको अपने पेज को फिर से रिफ्रेश करना है। सो यहाँ पे एक जो है लिंक मिलेगा, मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है मेरा लिंक आ चुका है। विजिट साइट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है मेरा अपना साइट आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखो जो ये मेरा प्रोजेक्ट है जिस साइट पे चल रहा है वो इसका टोटल लिंक मिल चुका है। अब आप जो है इस लिंक को यहाँ पे जो आपको लिंक दिख रहा है ये लिंक किसी के साथ जो है शेयर करके अपने प्रोजेक्ट को जो है शेयर कर सकते हो। और इससे पहले जब हम काम कर रहे थे सो ये मेरा जो है लोकल होस्ट था, सो इस पर हम काम कर रहे थे और इस समय जो है हमारे पास एक लिंक मिल चुका है। यहाँ पर अब मैं कुछ भी करूँ, लेट्स रिज्यूम ये, और यहाँ पर 200 डाल के ऐड ट्रांजेक्शन पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है। सारा काम जो है सेम हो रहा है जैसा कि हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अपना सबसे पहले रिपो बनाया, उस पर अपना प्रोजेक्ट पुश करा, आफ्टर डैट जो है इसको हमने रन बिल्ड करा। और ये जो भी स्टेप हैं आपको याद नहीं रखना है, आपको बस प्रोसेस याद रखना है कहाँ से किस समय हमें कौन सा कमांड चलाना है, दैट्स इट। और क्या कमांड चलाना है वो हर चीज़ मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें जो है आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन जो है चेक कर सकते हो। हर चीज़ें जो है हमें डॉक्यूमेंटेशन और गेटहब से मिलके ओवरऑल काम हो जाता है। तो ये था हमारा ओवरऑल वीडियो जिसमें हमने बिना राउटिंग वाले पेज को जो है यहाँ पे होस्ट करा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर राउट यूज करते हैं तो उसको कैसे होस्ट करेंगे, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।